नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम टाइम न्यूज़। मैं लक्ष्मी शर्मा, चलिए नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें, ज़्यादातर लोग अंधविश्वास में डूबकर आस्था को भूलकर भगवान से दूर चलते चले जा रहे हैं। इसी आस्था को लेकर लोगों में अधिक से अधिक जगाने के लिए गुरु भ्रांता श्री हरिंदर नंद जी की सुपुत्री अनुनीता जी मुख्य अतिथि के रूप में बलिया के टाउन पॉलिटेक्निक के प्रांगण में रखा गया। कार्यक्रम एक दिवसीय विशाल शिव चर्चा महोत्सव में पहुंचकर लोगों को आस्था व शिव के बारे में मंच से जागरूक किया। वहीं इस विशाल शिव चर्चा महोत्सव में भगवान शिव के बारे में मंच से भजन कीर्तन सुन टाउन पॉलिटेक्निक प्रांगण मैदान। विशाल शिव चर्चा महोत्सव कार्यक्रम में मौजूद हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने आस्था में लीन होकर खूब झूमते गाते नजर तालियां बजाते नजर आए। दूसरी तरफ इस शिव चर्चा में पहुंची गुरु भ्रांता श्री हरिंदर नंदन जी की सुपुत्री अनुनीता जी ने मीडिया से बात करते हुए आस्था व शिव के बारे में जागरूक होने वाली बातों को किस रूप में बताया, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। जो काम 45 साल से चल रहा है उसकी आदत हो, हम लोगों को आदत हो गई है, और अगर आदत नहीं हुई है तो ये आदत को बनाना है। साहब कहते हैं कि आदत कभी नहीं छूटती। अंग्रेजी में कहावत है कि आदमी का स्वभाव और आदमी का दस्तखत कभी नहीं बदलता। तो अगर किसी चीज़ का स्वभाव हमारा आपका बन जाए तो कभी नहीं बदलेगा। तो कोशिश करनी है कि ये स्वभाव हो जाए हमारा। नाम अनुनीता हुआ, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। अभी हमने एक किताब लिखी है, साहब के ऊपर किताब है, अनमोल आखर जी। उस पुस्तक को हम लोगों ने लिखा है, लोगों के लिए लिखा है। यही मैं साहब दीदी की बेटी हूँ, इससे बड़ा परिचय क्या दूँ, यही मेरा परिचय है। आज किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारा विषय था आस्था रखे अंधविश्वास नहीं जी। तो हम लोगों ने लोगों को समझाया है कि किस तरह से शिव अपने लोगों को ज्ञान देते हैं, अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं, ताकि आप आस्था और अंधविश्वास में फर्क कर सकें। ये फर्क समझाने की कोशिश की गई। तो क्या आपने फर्क समझाया? कुछ बिंदुओं पर डाल दीजिए भाई। लोगों को समझाया कि भाई आप सांप को रस्सी ना समझे और रस्सी को सांप ना समझे, ये इतनी बुद्धि आपके पास होनी चाहिए। पर ये बुद्धि भी तो शिव की दया से ही होगी ना, शिव ही देंगे ना। इंसान के पास बुद्धि तो परमात्मा फीड करता है ना, वही परमात्मा गुरु है, तो ज्ञान भी तो वही देंगे ना। जी ये कितने सालों चलते आ रहा है? ये लगभग 45 साल से हमारे पिताजी इस काम को कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अभी बिहार में लगभग पूरी दुनिया में, मतलब हर जगह काम हो रहा है। 4 से 5 करोड़ लोग हैं हम लोग जी। आप क्या क्या मुख्य उद्देश्य बिंदु पर? मुख्य उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में शिव के शिष्य लोग बने, लोगों में जो बुराइयां हैं, जो मानवीय गुण है, वो जो परमात्मा हम लोगों को भेजा है, जिस लिए भेजा है, उस काम को करें उसको जी। आज कार्यक्रम के विशेष मामले को लेकर क्या आप देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि शिव के शिष्य बनिए। जिस दिन शिव का शिष्य पूरे लोग हो जाएंगे, उस दिन तमाम तरह की कुरीतियां अंधविश्वास अपने दूर हो जाएगी। किसी आने में हम ये देखने में लगता है बहुत से जगह ये गांव के लोग होते हैं जो जाते हैं, तमाम तरह के हवा की बात करते हैं, तमाम तरह की बलि की बात करते हैं, क्या करना नहीं। हमारे यहाँ तो कोई किसी भी तरह कोई भी कर्मकांड हो, चाहे कोई भी कुरीतियाँ हो या अंधविश्वास हो, हम उसका समर्थन नहीं करते। देश का जो कानून है, जो कानून संविधान जो है, संविधान जिस तरह की बात करता है, हम उसी की बात करते हैं और कोई नहीं बात नहीं करते। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो बलि देते हैं जानवरों की? वो निश्चित रूप से जिस दिन शिव गुरु की दया उन पर आएगी वो बंद हो जाएगा।